हाय गाइस नमस्कार, माय सेल्फ एनआर सियोटा फ्रॉम अपनी जोधपुर। दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल राज्य एग्रोकल्चर चैनल जोधपुर में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस बार अपना कंटेंट है नवरात्रि, यानी कि नवरात्रि इस बार कब आएगी और इतनी देर से क्यों आए, यानी कि और इसके माध्यम से ये बता रहे हैं कि नवरात्र कितने प्रकार के होते हैं। नवरात्र विशेषकर दो प्रकार वो होते हैं, लेकिन उनमें से दो नवरात्र है वो गुप्त होते हैं, कुल चार होते हैं, चारों में से दो गुप्त और दो हम सब मनाते हैं। दोस्तों, पहला नवरात्र आते हैं वो बसंती नवरात्र, जो अंग्रेजी महीना है मार्च और अप्रैल, इसमें जो यानी कि आता है वो बसंती नवरात्र आता है। हिंदू महीना यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम से लेकर नवमी तक यानी कि बसंती नवरात्र रहता है। बसंती नवरात्र यानी कि बसंत ऋतु के आगमन के माध्यम से आता है, इसलिए इन्हें बसंती नवरात्र कहते हैं। और दूसरा नवरात्र है शारदी नवरात्र। शारदी नवरात्र का आरंभ अंग्रेजी महीना इनकी सितंबर अक्टूबर में आता है, और हिंदू महीना यानी कि हिंदू महीना मतलब आश्विन शुक्ला प्रतिपदा एकम से लेकर नौम तक रहता है। यानी कि इस प्रकार से हम मतलब बसंती नवरात्र और शारदीय नवरात्र ये हम विशेष दो प्रकार से मनाते हैं, और दो विशेष नवरात्र हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। और दोस्तों, इनकी शारदीय नवरात्र ये शरद ऋतु के आगमन में आता है, इसलिए इन्हें मतलब कि शारदीय नवरात्र कहते हैं। और शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व भी है, माता जगदम्बा के रूपों के लेकर के राक्षस और वध से लेकर के विशेष इनकी किंवदंती और कहानियां जुड़ी हुई है पौराणिक। दोस्तों, यानी कि जो नवरात्र का त्यौहार है यानी कि इनके एकम होती है उनको यानी कि घट स्थापना होती है, अष्टमी को माता दुर्गा के रूप की पूजा होती है, नवमी को रामनवमी होती है। यानी कि नौ दिनों तक कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और माता जगदम्बा के नौ रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और दोस्तों, यानी कि माता जगदम्बा के नौ रूपों की पूजा यानी कि विशेष महत्व है। और इसी प्रकार से मतलब कि माता के इनके साथ में कितने कितने प्रकार आयुध है या फिर इनके पास हथियार है, किन राक्षसों का वध किया है, इससे संबंधित मतलब पौराणिक कथाओं का विवरण भी जुड़ा हुआ है। और गुजरात गरबा है, डांडिया है, रासलीला, इन मतलब विशेषकर नवरात्र में विशेष महत्व तो होता है। नवरात्र का मतलब के गरबा होता है वहां पर मतलब के भक्ति संगीत और शक्ति का संयोग होता है, यानी कि इस प्रकार से अद्भुत संयोग है ये मतलब नवरात्रि को ही आपको देखने को मिलेगा। और मतलब इस प्रकार से यानी कि आप सोच रहे हैं कि इस बार जो नवरात्र है ये देर से क्यों आया, यानी कि इसमें मतलब एक कारण है कि 165 वर्ष के बाद में एक विशेष संयोग बना है, यानी कि ऐसा संयोग है यानी कि अधिमास है वो उसके अंदर दो आश्विन महीने है, यानी कि लीप वर्ष है उसके अंदर दो आश्विन महीने हैं। और हमेशा आपको पता है कि नवरात्र यानी कि दो आश्विन महीने, इसका मतलब दूसरे आश्विन महीने में मनाया जाएगा और पहले आश्विन महीने में यानी कि श्राद्ध चलेगा, यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष रहेगा, और 16 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा, श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद में यानी कि 17 अक्टूबर से नवरात्र का आरंभ माना जाएगा, और दुर्गा अष्टमी को माता दुर्गा की जगदम्बा की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, और नवमी को राम भगवान के जन्म की यानी कि खुशी के रूप में रामनवमी मनाते हैं, और दशमी के दिन दशहरा विजयदशमी का त्यौहार विशेषकर मनाया जाता है। दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में यानी कि उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, यहाँ पर एक आदिवासी लोगों के द्वारा एक चौथ होती नवरात्र के दौरान, यानी कि चौथ को भलगा चौथ के नाम से उस त्यौहार मनाते आदिवासी। भलगा चौथ यानी भलगा का अर्थ है भाला चलाने से, यानी कि उन आदिवासी लोगों का जो कला है भाला चलाने की यानी कि वीर कला को मतलब प्रदर्शन करना, इस प्रकार से वो चौथ से जोड़ करके विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू वेरी मच, मैं आपसे विदा लूंगा और आप दोस्तों के लिए धन्यवाद।